टुडे वी विल सी एक्सरसाइज 3. लुक एट द ग्रिड गिवन बिलो. यहाँ पर हमको एक टेबल दी हुई है पूरी 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40. ओके, पूरी 100 तक हमको ये पूरी टेबल दी हुई है. इसके अकॉर्डिंग हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है. फर्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द नंबर्स इन द कलर्ड बॉक्सेस, व्हाट डू यू ऑब्जर्व. ओके, टेबल में हमको देखना है कलर्ड बॉक्सेस दिए हुए हैं. ओके, कलर्ड बॉक्सेस दिख रहे हैं आपको, जिसमें पिंक कलर करा हुआ है ये. ओके, इससे हमको कुछ इससे हमको क्या ऑब्जर्व हो रहा है हमको ये देखना है. द नंबर्स आर 3, 6, 9, 12. ओके, तो हम टेबल में देखेंगे ये नंबर 3 जो कि कलर बॉक्स में है, 6 कलर बॉक्स में है, 9 कलर बॉक्स में है, फिर 12 कलर बॉक्स में है. ओके, तो हमको क्या समझ में आ रहा है इससे, 3 plus 1, 2, 3. 3 में हमने जब 3 प्लस किया तो क्या आया, 6 आया. 6 में जब हमने 3 प्लस किया तो क्या आया, 9 आया. 9 में जब हम 3 प्लस करेंगे 1, 2, 3 तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा. ओके, इस तरह से हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. फर्स्ट 3, 0 plus 3, फिर 12 दिया है हमको, 12 equals to, तो 12 लाने के लिए ये 12 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 9 में क्या प्लस करना पड़ेगा, 3, 1, 2, 3. 9 में हम 3 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा. थर्ड इज 21 को लाने के लिए हमें कौन सी संख्या में हम किस डिजिट में हम 3 प्लस करें कि 21 आ जाए, तो हम टेबल में देखेंगे. ये रहा 21 किस टेबल किस नंबर में हमें 3 प्लस करना है कि 21 आ जाए, तो कलर्ड नंबर कौन सा है यहाँ, 18 के बाद 1, 2, 3 3 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 21. तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 18. तो हम यहाँ लिखेंगे 18 plus 3, 21. ऐसे 6 equals to 3 plus 3. 6 लाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, 3 plus 3, 3 में 3 को प्लस कर रहे हैं, तो 15 में हम कितने में प्लस करेंगे, 12 में. 12 plus 3, 15. 24 equals to 24 में हम कितने में 3 प्लस करेंगे 24 के लिए, 21 में हम 3 प्लस करेंगे तो 24 आ जाएगा. ऐसे ही 9 equals to 6 plus 3, 18 equals to 18 में हम कितने में 3 प्लस करेंगे, 15 में. सो 15 plus 3, 18. और 27 लाने के लिए हम 24 में प्लस 3 करेंगे तो 27 आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इक्वल्स टू 55. ओके, 1 से लेके 10 तक जब हम सारे नंबर्स को प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 55. जब 11 से लेकर हम 20 तक सब नंबर्स को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 155. जब 21 से 30 तक हम सारे नंबर्स को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 255. मतलब यहाँ पर 100 नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, 100 का प्लस हो रहा है आगे आगे. तो नेक्स्ट में 31 से 40 तक के नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 355. ओके, और जब हम 41 से 50 तक जितने भी नंबर है सबको प्लस करेंगे तो पैटर्न के हिसाब से आंसर आ जाएगा 455, क्योंकि यहाँ पर 100 जो है वो सब नंबर्स में हम प्लस कर रहे हैं. ओके,